मैम, कल स्कूल बस का एक दुर्घटना का विषय आया है सामने, एक डेथ भी इस मामले में हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में और क्या स्टैंड है स्कूल का इस विषय में? देखिए सर, होनी को कोई नहीं टाल सकता है और ये मैं बहुत दुखी हूं इस दुर्घटना से। और इस विषय में मैं यही बोलना चाहती हूं कि दोनों की तरफ से कुछ भूल चूक हुई है जिसके कारण ये बहुत दुखद परिस्थिति हो गई है। इस सब परिस्थिति को लेके हम जो कि उनके लोग हैं जिसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई, उसके साथ उसके परिवार के साथ हम खड़े हैं और जो भी हमसे हो पाएगा सर, मैं जरूर और मेरा मैनेजमेंट जरूर इस हम कदम लेंगे कि उसको हम पूरी हेल्प हम कर सके किसी भी तरह से अगर हमें हेल्प करने की जरूरत पड़े। क्या स्कूल की सभी गाड़ियां सरकारी नॉर्म्स और अहर्ताओं को पूरी करती हैं? बिल्कुल करती हैं सर, बिल्कुल करती है। हमारी सारी गाड़ियों का नॉर्म्स है, फिटनेस सर्टिफिकेट है। क्या आपके पास जो ड्राइवर्स हैं वो सबके सब ड्राइवर के वेल ट्रेंड और लाइसेंस हैं? ये सारे ड्राइवर लाइसेंस है और वेल ट्रेंड है सर। ये जो फॉग चल रहा है इस समय, कोहरा, घना कोहरा चल रहा है, तो इस बात को लेकर क्या आपने ड्राइवर्स को, आपके स्कूल अथॉरिटी ने ड्राइवर्स को कुछ सजेशन दिया है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने? बिल्कुल, हम लोग ने मीटिंग लिया है और हमने सभी ड्राइवर्स को बोला है कि बहुत धीरे गाड़ी चलाए ताकि बच्चे, कोई भी हो सर, बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी इस परिस्थिति का हो सकता था इसमें, इसीलिए हम लोग ने सारे ड्राइवर्स को काफी मीटिंग लेके बताया है कि बहुत धीरे गाड़ी चलाए क्योंकि जान है तो जहान है। इस बड़ी और दुखद दुर्घटना के बाद अब स्कूल का क्या स्टैंड होगा ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं भविष्य में किसी भी मूल्य पर ना हो, जिसकी संभावना कम से कम हो, क्या कुछ करेंगे आप लोग? हम लोग ने एक तो टाइमिंग बढ़ा दिया है कि इस, जैसे हम लोग ने पहले था हमारा 8:30-9:30 था, अभी हमने 9 और 10 कर दिया है ताकि कोहरा का समय बीत जाए तब बच्चे आए। और हमने ड्राइवर को और एक बार कड़ी चेतावनी दी है कि और धीरे चलाए गाड़ी और जहां उन्हें दिखे नहीं थोड़ी देर रुक जाए, आगे से कोई भी गाड़ी आ रही है अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ी देर पॉज करके रुक जाए, उसके बाद ही गाड़ी चले। क्या विद्यालय प्रबंधन ने दिवंगत जो व्यक्ति है उनके परिजन से संपर्क साधा है? बिल्कुल साझा है सर। क्या प्रयास चल रहा है? हम परिजनों के साथ खड़े हैं, कल उनके साथ हमारी जो डायरेक्टर है मिस्टर जोरावर सिंह सलूजा, उनके साथ उनकी मीटिंग भी हुई है और जो भी उनकी मांग है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं सर। और आगे से हम ये आशा करेंगे कि इस तरह की दुर्घटना ना घटे। धन्यवाद। आज सलूजा गोल्ड के कैंपस के बाहर आप लोग बैठे हैं, यहाँ काफी भारी संख्या में बैठे हैं लोग, कल की दुर्घटना के विषय में जानकारी दीजिए। कल की जो दुर्घटना घटी है उसमें कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हैं? एक आदमी की मौत हुई, एक तो अभी सीरियस है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक का मौत हुआ है, दूसरा हॉस्पिटल चल रहा, इलाज गंभीर स्थिति में इलाजरत है। जिनका डेथ हुआ है वो आपके कोई लगते हैं क्या? हाँ, मेरा जीजा जी लगते हैं। आपके जीजा जी हैं, क्या नाम था उनका? मनोज रजक था। मनोज रजक कितने साल के थे? वो लगभग 40 के थे। 40 साल के थे। उनके कितने बच्चे थे? 5 बच्चे हैं, 2-3 लड़की, 2 लड़का है। तीन लड़की, 2 लड़का। 5 बच्चों के पिता थे वो। और आपके जीजा जी? जीजा जी। आप बताइए, एक उस घटना में एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है वो आपका कौन लगता है? लड़का है। लड़का है, कितना साल का था? 45। नाम क्या है? अयूब अंसारी। क्या करता था? टेम्पो डिलीवर था। कितने बच्चे हैं उनके? 2 लड़का 2 लड़की। 2 लड़का 2 लड़की। घर कहाँ है आपका? बनहत्ती, बेंगाबाद, करणपुरा। आपका जो डेथ हुआ है उनका घर कहाँ है? हड़वा। पंचायत कौन सा है? करणपुरा। तो अभी इलाज कहाँ चल रहा है? दुर्गापुर में। क्या इस पूरे मामले में विद्यालय प्रबंधन ने आप लोगों से संपर्क स्थापित किया है? नहीं, किसी तरह का कोई संपर्क नहीं। कल संपर्क हुआ तो इलाज के लिए 10,000 पैसा दिया। इलाज के लिए 10,000 रुपया किसको दिया गया? इनको? दोनों आदमी को दिया। 10-10 दोनों को? 10-10 दोनों को इलाज के लिए मिला है। विद्यालय प्रबंधन ने इसके अतिरिक्त आप लोगों से और संपर्क नहीं साधा है? क्या आप लोगों की मांग है ये बताइए। हम लोग जिस मेरा आदमी डेट कर गया तो हम लोग गांव वाला सबको मिलके आया कि जवाब लेने के कि कुछ उसका मुआवजा जो बनता है, बच्चा छोटा छोटा है उसका भरण पोषण हो जाए, पढ़ाई लिखाई हो,
उसके लिए कुछ मुआवजा जो बने दे दे। वाजिब मुआवजे की मांग करते हैं, क्योंकि परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था, 5 बच्चों के पिता थे और दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। आप लोग चाहते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जल्द से जल्द उन्हें उचित मुआवजा मिले, आप क्या कहना चाहते हैं? हमको पेशेंट ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं, पेशेंट ठीक हो जाए, जो इलाज रत है वो ठीक हो जाए, इलाज में जो खर्च आए वो जो खर्चा है वो दे, वही बोला है। इस पूरे मामले में अभी तक विद्यालय प्रबंधन ने आप लोगों से कोई संपर्क नहीं किया? किया, बात करें तो बोला कि आ रहे हैं, कुछ आदमी के जो यहाँ के नेता बड़ा बड़ा जो संपर्क आदमी है उसे बतिया रहे, तो बोला कि आ रहे हैं, घंटा टाइम तो आ रहे हैं तो बतियाएंगे सामने। सुबह से एक घंटा के बाद बोल रहा है, सुबह से आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। टाल मटोल कर रहे हैं, चालू है, हम लोगों ने विद्यालय को रोक तो कुछ नहीं किया है, विद्यालय चालू है, हर बच्चा सब स्टूडेंट जा रहा है। चलिए, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल बनाया है, क्योंकि विद्यालय के बच्चों का, विद्यालय प्रबंधन का इसमें कोई दोष नहीं, घटनाएं और दुर्घटनाएं कभी भी किसी के साथ घट सकती है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह का यहाँ पर व्यवहार किया है वो ठीक है, और जो मांग आप लोग संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जायज है। अब विद्यालय प्रबंधन को देखना है कि आप लोगों को वो कब कितना जल्दी आके रिस्पॉन्स देते हैं, और आप लोगों की जो मांग है पब्लिक लोग बोल रहा है कि इसको बार बार हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि गाड़ी स्पीड में नहीं चलाए, कि गाड़ी धीरे चलाए, 10-20 वो बच्चा बैठा करके इस तरह से एक्सीडेंट करेगा हर बच्चे। अभी हमने विद्यालय प्रबंधन से बात किया है, अभी हमने विद्यालय प्रबंधन से बात किया है, तो मुझको पता चला कि सभी के सभी ड्राइवर जो है बहुत ही अच्छे ट्रेन है, अनुभवी है, सबके पास लाइसेंस है, फिर आप कैसे ये आरोप लगा सकते हैं कि हर आदमी को समझौता किया है, लेकिन तो बार बार अच्छा तो नहीं दे रहा कि गाड़ी धीरे चलाओ, गाड़ी धीरे चलाओ, धीरे कभी चलाते ही नहीं। स्कूल का टाइम होता है, सवारी होता है, और सवारी ढोने के बाद उसके बाद जब लेट हो जाता था गाड़ी ज्यादा तेज चला करके स्कूल का टाइम मेकअप। आप लोग संयमित रहिए, आप लोग संयमित रहिए, और ये जो अभी गंभीर रूप से घायल है आयुष अंसारी, उनका एक लड़का यही है अभी यहाँ पर, और इससे छोटा छोटा इसका बच्चा है, इसका भारत को कौन करेगा, अकेले एक लड़का कमाने वाला था, समझे? आज जब फोन लगाता है तो फोन स्विच ऑफ आता है, सब विजय गोल्ड का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कल से उसको मांग रहा पैसा, तो अभी तक पैसा नहीं दे रहा है, बताइए बहुत रफ चलाता है, अब पैसा नहीं देगा तो वहाँ कौन देगा? कर रखे कुछ हो जाएगा तो इन लोग को कौन देखभाल करेगा? इन लोग जो बच्चे जो एक्सीडेंट होते हुए में उसको जो छोड़ के भाग गया ड्राइवर, अगर गाड़ी अगर पलटी हो जाए तो सारे बच्चे क्या? बच्चे का कौन? हमारे गांव के सारे बच्चों निकाला, पूरा रफ चलाता है।